एक कश्ती का नाखुदा या मल्लाह एक साहिली शहर के लोगों को कश्ती से दूसरे शहरों को पहुंचाता था। वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था और उसकी इस महारत का चर्चा बहुत जल्द लोगों में होने लगा। लोग उसके तजरबे और शिजात की तारीफ करते थे। एक रोज एक कवायद का माहिर उसकी कश्ती पर सवार हुआ। कवायद का ये माहिर अपनी तारीफ बहुत करता था, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था और उनकी बातों पर एतराज करता था। वो कहता था कि तुम्हारा जुमला सही नहीं है, तलफ़ुज़ गलत है और इसी तरह की दूसरी बातें। गोया वो ये चाहता था कि उसके अतराफ में बैठे सभी लोग चुप और खामोश बैठे रहें। लेकिन उस दिन उसके आसपास बैठे लोग खुश थे। सभी मुसाफिर पूरे शौक और इश्तियाक से कश्ती के नाखुदा की दास्तान जो अपने सफ़र और मुसाफिरतों के बारे में बयान कर रहा था सुन रहे थे। लोग चूंकि कश्ती के नाखुदा का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, लिहाजा कवायद के माहिर को हसद होने लगा और उसने नाखुदा को दूसरों के सामने जलील करने के लिए उससे पूछा कि क्या तुम जबान की कवायद जानते हो, तुमने कवायद पढ़ी है, लुगत से आशनाई रखते हो। नाखुदा ने ताज्जुब से जवाब दिया, नहीं, मैंने बहुत थोड़ी कवायद पढ़ी है, लेकिन जिन उलूम के बारे में पूछते हो मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। कवायद के माहिर ने फातिहाना अंदाज में कहा, तब तो तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। मल्लाह ने खामोशी इख्तियार कर ली और कवायद के माहिर ने दोबारा खुद को मरकजियत करार देते हुए एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू छेड़ दी। कुछ देर बाद घने सियाह बादल आसमान पर छा गए और नर्म हवाएं आंधी और शदीद तूफान में तब्दील हो गईं। कश्ती तेजी से हचकोले और समंदर की मौजों में थपेड़े खाने लगी। मल्लाह पूरी दिलेरी और हौसले के साथ मुसाफिरों को नजात दिलाने में मसरूफ था और सबसे पहले उसके लिए बच्चों की जान सबसे ज्यादा अजीज थी। अचानक उसने उसी कवायद के माहिर से जो कश्ती के एक गोशे में सहमा हुआ खड़ा था पूछा, तुम्हें तैरना आता है? ग्रामर के माहिर ने जो वहशत ज़दा था आहिस्ता से कहा, नहीं, मैंने ये फन नहीं सीखा। मल्ला ने कहा, फिर तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद समझो।